कुछ ऐसी चीजें होती है, वरदान आप बोल सकते हैं, वो कई तरह के ईश्वर मानव को देता है, लेकिन आशुतोष राणा जी को इस तरह के कई वरदान मिले हैं। उसमें एक है सबसे अच्छा, जो हम लोग मानते हैं, आपके जो प्रशंसक मानते हैं, वो है वाणी का वरदान जी। आशुतोष राणा जी की वाणी सुनने के लिए कई लोग आतुर होते हैं जी, और निश्चित तौर पर नेटवर्क के टीम के दर्शक भी आतुर होंगे एक ऐसी चीज सुनने के लिए। रश्मि रति, हम चाहेंगे कुछ थोड़ा आप उसमें इसका सुना देता हूँ मैं आपको। कृष्ण की चेतावनी का जो पहला हिस्सा है कि मतलब जब वो तमाम संघर्षों की दास्तान जो कही गई है उसमें यही है कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तपकर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षणेक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, संकट का चरण न कहते हैं और मुख से कभी न उफ कहते हैं। तो ये वाली जो बात उन्होंने कही है के खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं बह पाता है, पीसा जाता जब इक्षुदंड, झड़ती रस की धारा अखंड, और मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, और जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। तो इसमें श्रद्धेय रामधारी सिंह जी दिनकर ने बड़ी अद्भुत विपत्तियों की या संघर्षों की, अक्सर विपत्तियों को हम अपने शरण का कारण मानते हैं, लेकिन उन्होंने इस पूरे दृष्टांत के माध्यम से बताया कि विपत्तियां आपके शरण की नहीं, आपके सृजन की कारक भी हो सकते हैं। वो आपको मिटाने के लिए नहीं, वो आपको बनाने के लिए भी आते हैं। तो अगर आप मिटने तैयार हैं तो परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं आपके साथ उस महासमर में आके खड़े हो जाएंगे, और वह जो जगत का दाता है वो आपके लिए दूत कार्य करने भी तैयार हो जाएगा, और वो पहुंच जाएंगे कौरवों की सभा में आपके लिए प्रीति मांगने के लिए। तो ये उसमें उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया है और मेरे हृदय के काफ़ी करीब है ये रचना। तो ये है अभिनेता आशुतोष राणा जी। इनका साहित्यिक स्वरूप, धार्मिक स्वरूप, आध्यात्मिक स्वरूप भी हमने देखा, और रश्मि रति का जो अद्भुत वर्णन है वो अगर इनकी जुबान से जब सुनते हैं तो हम एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश, बहुत बहुत शुक्रिया।